हे हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजपूत पेट वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो डॉग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो दोस्तों, जब हम एक न्यू पप्पी हमारे घर पर लाते हैं तो उसको वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डॉग की, कौन सी भी डॉग की, 50% जो लाइफ सेविंग होती है वो वैक्सीनेशन के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों, हमें आज टोटली डॉग का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो देखना है आपको। मैं उसके बारे में टोटली बताऊंगा और जानकारी दूंगा। और दोस्तों, 90% जो मैंने ये शेड्यूल डाला है वो 90% डॉक्टर, जो वेटनरी डॉक्टर है, यही शेड्यूल फॉलो करते हैं, इसी वजह से मैंने ये वैक्सीनेशन डाला है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन में फर्स्ट तो दो टाइप्स के वैक्सीनेशन आते हैं। फर्स्ट है एक कंबाइंड वैक्सीन में 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1 करके वैक्सीनेशन के नाम आते हैं। और जो सेकंड होता है वो है एंटी रेबीज वैक्सीन, जो डॉग्स को रेबीज न होने के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ये मोस्ट सबसे ज़्यादा डॉग में होने वाले डिजीज, 6 टाइप्स के डिजीज को कवर करते हैं। सो जो डॉग का वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो आगे के हिसाब से। तो दोस्तों, डॉग्स को पहले जो वैक्सीनेशन लगती है 15-16 डेज, यानी 50-60 दिन में उसको फर्स्ट वैक्सीन लगती है, कंबाइंड वैक्सीन का फर्स्ट शॉट उसको तब लगता है। उसके एग्जैक्ट फोर्थ वीक में उसको फर्स्ट बूस्टर लगता है, और उसके एग्जैक्ट और 4 वीक्स के बाद उसको सेकंड बूस्टर लगता है। यह हमारे पपी को कंबाइंड वैक्सीन के 3 शॉट्स लगते हैं। उसके बाद एंटी रेबीज का शॉट लगता है। पपी आपका एग्जैक्ट 3 महीने का हो जाए तब उसको फर्स्ट एंटी रेबीज का शॉट लगता है। देन उसके एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद, यानी 4 महीने का जब आपका पपी हो जाए तो उसको फर्स्ट बूस्टर लगता है एंटी रेबीज का। और उसके और 1 महीने के बाद, यानी आपका पपी 5 महीने का हो जाए तो उसको सेकंड बूस्टर लगता है। यानी एंटी रेबीज के भी 3 शॉट लगते हैं, 3rd महीने में, 4th महीने और 5वें महीने में। ऐसे 3 शॉट एंटी रेबीज के लगते हैं। साल में एक बार आपको कंबाइंड वैक्सीन का 1 शॉट और एंटी रेबीज का 1 शॉट आपको अपने डॉग्स को देना होता है। और दोस्तों, जब हम हमारे डॉग्स के वेटनरी डॉक्टर के पास जाएंगे वैक्सीनेशन देने के लिए, तो आपको एक डॉग्स का वैक्सीनेशन चार्ट देगा। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि डॉग्स का वैक्सीनेशन कब और किस कौन सी तारीख को हुआ है। इससे आपको आगे की अपडेट लेने में, आगे की जो डेट होती है, तारीख होती है, वो हमें याद रखें। क्योंकि बहुत से जो डॉग्स के जो ओनर होते हैं, उन्हें हमारे अपने डॉग की जो वैक्सीनेशन की डेट है वो, तो ये वैक्सीनेशन की जो चार्ट है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और दोस्तों, हमारे डॉग्स को वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है या उसको जो कोई डिजीज़ होने वाले है वो इससे बच सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉग्स में, जो हमारे डॉग्स को करनी चाहिए और उनको केयर करनी चाहिए। और दोस्तों,